हे गाइस, मैं राहुल। आज के इस वीडियो में हम पौड़ी गढ़वाल में स्थित खैरालिंग मंदिर और यहाँ के हर साल लगने वाले मेले के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में कलजीखाल ब्लॉक में स्थित मुंडनेश्वर में खैरालिंग महादेव का मंदिर है। जो मंदिर एक ऐसी चोटी पर है जिसका आकार मुंड यानी सिर से उभरा हुआ है। हर मंदिर की तरह इस मंदिर के पीछे भी एक प्रचलित कहानी है, चलिए उसे भी जान लेते हैं। कहा यह जाता है कि ग्राम थैर, जो कि पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक में है, वहाँ किसी पिता के साथ बैठे हुआ करते थे। वह सातों भाई अक्सर अपने गांव से कोटद्वार सामान लेने जाया करते थे। उसी तरह इस दिन भी सभी भाई सामान लेने कोटद्वार के लिए पैदल निकल गए, क्योंकि पहले जमाने में सामान पैदल ही लाया जाता था। मोटर गाड़ी की उतनी सुविधा नहीं हुआ करती थी और जो थी वो बेहद महंगी भी पड़ती थी। सातों भाई कोटद्वार पहुंचकर सामान खरीदने लगे और सामान को सात बोरों में लगभग बराबर वजन के साथ बांध लिया। फिर सभी भाइयों ने बोरी को अपनी पीठ पे लाद लिया और अपने गांव को रवाना हो गए। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक भाई को सामान वजन की बोरी होने के बावजूद भी बोरी का वजन काफी हल्का लग रहा था, जिससे वह जल्दी जल्दी चलता जा रहा था। ऐसे ही चलते चलते सभी भाई अपने गांव थैर के नजदीक एक जगह मुंडनेश्वर पहुंच गए। सातों भाई में से एक भाई को बेहद तेज शौच भी आ रहा था। ऐसे में उजाला देख सभी भाइयों ने वहां कुछ देर आराम करने का विचार बनाया और अपनी अपनी बोरियों को नीचे रख आराम करने लगे। लेकिन उसमें से एक भाई जिसकी बोरी हल्की थी, उसकी बोरी से एक पत्थर रूपी शिवलिंग निकलकर वहां गिर गया। कुछ ही देर बाद सभी भाइयों ने वहां से चलने का फैसला लिया और सभी ने फिर से बोरी को अपनी पीठ पर लाद लिया और गांव को रवाना हो गए। लेकिन उस भाई की बोरी का वजन अब अन्य बोरी के समान हो गया था, जिससे उसे गांव पहुंचने में बेहद मुश्किलें हुई। माना यह जाता है कि फिर उसी रात उस भाई के सपने में शिवजी या माता ने उनका स्थान उन्हें बताया और अगले दिन उस भाई ने अपने परिवार व गांव वालों के साथ जाकर खैरालिंग महादेव को वहां स्थापित कर छोटा सा मंदिर भी बनाया। इस स्थान पर हर वर्ष जून महीने में कौथिक यानी मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग यहां दर्शन को आते हैं। खैरालिंग महादेव का कौथिक दो दिनों का होता है, हालांकि इसकी तैयारी एक हफ्ते पहले से चलती है। खैर गांव में मंडाण आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान कर उनका सत्कार व पूजन किया जाता है। हालांकि मंडान पहले एक हफ्ते तक हर रात लगता था, जो अब केवल एक रात का ही सीमित हो गया है। पहले दिन की सुबह में ध्वजा और बागी चढ़ता है, जिसमें ध्वजा भगवान शिव को और बागी माँ काली को चढ़ता है। ध्वजा एक लंबे साबुत बांस का होता है, जिसे सजाकर बिना जमीन पर रखे खैरालिंग मंदिर तक कई व्यक्तियों द्वारा उठाकर ले जाया जाता है। वहीं माँ काली को बकरी या भेड़ की बलि दी जाती है, लेकिन बलि को स्वयं माँ काली के स्वीकार करने के बाद ही दिया जाता है, जिसमें बलि का शीश माँ काली को चढ़ता है। और मेले के पहले दिन सभी भक्त महादेव और काली माँ को सिरफल और चुन्नी चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। यही भक्ति दूसरे दिन भी दूर से आने वाले भक्तों द्वारा की जाती है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आप खैरालिंग महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में, यहाँ की प्रथा के बारे में जान पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।